राजेंद्र बाबू। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता हुआ उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से दो चार लोटे डाल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग जमा हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगे। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास परोस रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी इनके रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे।